नमस्कार, मैं अनुशील ओझा और हाजिर हूं मैं आपके सामने 10 खबरों के साथ। आप देख रहे हैं द फर्स्ट स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो आज की पहली खबर, मारुति सुजुकी को पहली तिमाही में 475 करोड़ रुपए का मुनाफा। सरकार के आर्थिक पैकेज को लेकर सांसदीय समिति ने उठाया सवाल। राकेश झुंझुनवाला ने की नई उड़ान एयरलाइन कंपनी पर दाव लगाने की तैयारी। नेशनल इंडिया का मुनाफा 10.7% बढ़ा, आय बढ़कर 34.76 करोड़ रुपए। एप्पल के रेवेन्यू में 36.4% का इजाफा, भारत में डबल डिजिट ग्रोथ मुख्य वजह। 10 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन देगी रिलायंस, 171 सेंटर स्थापित। सप्ताह में 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी के संदर्भ में मोदी सरकार कर रही है काम। पेट्रोल डीजल में लगातार 12वें दिन आज भी शांति। LIC के IPO का हुआ रास्ता साफ। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आड़े आ रही है तकनीकी गड़बड़ी। धन्यवाद। ज्यादा खबरें को जानने के लिए हमारे वेबसाइट द फर्स्ट स्टोरी को विजिट।